हम पीटीआई को बैन करना नहीं चाहते। सलीम मांडीवाले के बयान की तर्दीद, मरियम औरंगजेब के बयान ने खलबली मचा दी। कैबिनेट के अंदर तो इस किस्म की कोई राय नहीं है, मेरा ख्याल है सलीम मांडवी साहब की ये जाती राय जरूर हो सकती है। निजी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडीवाला का बयान उनकी जाती राय हो सकती है। कोलिशन पार्टनर के अंदर पीपल्स पार्टी की नुमाया नुमाइंदगी है। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर से अच्छे ताल्लुकात हैं। वफाकी काबीना के अंदर ऐसी कोई राय नहीं है। उनकी जाती राय जरूर हो सकती है क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स के अंदर पीपल्स पार्टी की बहुत नुमाया नुमाइंदगी है और वो कैबिनेट में बैठते भी हैं, मिनिस्टर्स हैं। बिलावल भुट्टो साहब खुद फॉरन मिनिस्टर हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ा काम करते हैं साथ रहकर फॉरन पॉलिसी के ऊपर। इसी तरह और भी उनके नवीद कमर साहब हैं, शाजिया मरी साहिबा हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि किसी पार्टी को बैन करना होता तो अप्रैल 2022 में इमरान खान सलाखों के पीछे होते, फॉरेन फंडिंग में पीटीआई बैन हो चुकी होती, डिस्क्वालीफाई हो चुकी होती और इलेक्शन का हिस्सा ना होती। इस पे बड़ी वाजे और हुकूमत की भी और प्राइम मिनिस्टर की भी यही राय है, कोलिशन पार्टनर्स की भी, कि अगर हमने इमरान खान साहब वाले काम करने होते तो 2022 अप्रैल में इमरान खान साहब सलाखों के पीछे होते, फॉरेन फंडिंग में पीटीआई बैन हो चुकी होती और डिस्क्वालीफाई हो चुकी होती और अभी तक ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा ना होती। प्रोग्राम के मेजबान ने सवाल करते कहा, आपकी हुकूमत चेयरमैन पीटीआई को साइफर के मामले में ना अहल करना चाहती है, उन्हें गिरफ्तार करें और इलेक्शन से बाहर करें, क्या ये इरादा है हुकूमत का? वफाकी वजीर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का तो ये भी कहना है कि उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हो रहा है, कातिलाना हमला हो रहा है, उनके ऐसे बयानात पर बहस करना अहम काना अमल होगा।